नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर एक सिक्का जारी किया जाएगा। सरकार 100वें एपिसोड के प्रतीक के रूप में 100 रुपए का मूल्य सिक्का जारी करेगी, जिस पर मन की बात 100 लिखा होगा। सिक्के की गोलाई 44 mm होगी। इसे बनाने में 4 धातुओं रजत, तांबा, निकिल और जस्ता का इस्तेमाल किया जाएगा। सिक्के पर माइक्रोफोन बना होगा, जिस पर 2023 लिखा होगा। अलविदा जुमे की नमाज को देखते हुए यूपी में आज हाई अलर्ट है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज समेत सभी शहरों में फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है और वहीं संवेदनशील इलाकों में प्रशासन ड्रोन से निगरानी कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी टीम नजर रखे हुए। दरअसल 15 अप्रैल की रात प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी गई थी। बता दें कि हत्याकांड के बाद आज पहला जुमा है, कल यानी 22 अप्रैल को भी ईद है। ऐसे में खुफिया विभाग को इनपुट मिला है कि कुछ अराजक लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। बवाल और हिंसा का इनपुट मिलने के बाद यूपी में पुलिस महकमा अलर्ट है। शहर से लेकर गांव तक सभी संवेदनशील क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। पूरे मामले पर खुद सीएम योगी नजर बनाए हुए हैं। औरैया में रमजान के पवित्र महीने के चलते माहे रमजान के आखिरी जुमा को नमाज अलविदा की गई। शहर के हजरत बाबा शाह जमाल शाह स्थित बिलाल मस्जिद में हाफिज अल्तमश चिश्ती ने खुतबा सुनाकर अदा कराई जुमा। नमाज के बाद उठे मुल्क में अमन और चैन के लिए दुआएं मांगी गई। हाफिज अल्तमश चिश्ती ने जानकारी देते हुए बताया कि माह रमजान बड़े ही बरकतों का महीना है और इस माह रमजान के मौके पर लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों की इमदाद करें। रब तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि आज हमने बड़ी शांति और अमन व सुकून के साथ जुमातुल विदा की नमाज अदा की और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन व अमान, चैन व सुकून की दुआ की, ताकि हमारे मुल्क में अमन बरकरार रहे और तमामी हमारे मुसलमान भाई ईद उल फितर का त्यौहार अमन व शांति के साथ अदा कर सकें। और मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, आज चूँकि 29वां रमज़ान है, तमामी हजरात चांद देखने का अहतमाम करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हमने अलविदा जुमा माह रमज़ान की नमाज अदा की और उस नमाज के बाद हमने तमाम मुल्क पूरी दुनिया के लिए अमन व शांति के लिए दुआ की और हम आगे भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हमारे शहर में, हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में अमन व शांति रखे और उसकी रमज़ान की बरकतें हमें अता फरमाए। बस हमारा कहना ये, अल्लाह तबारक तआला हम सबको हिफाजत में, अमान में रखे। अतीक और अशरफ की हत्या को 6 दिन बीत चुके हैं। दोनों के हत्यारों लवलेश, सनी और अरुण को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर भी ले लिया है। मामले में यूपी पुलिस के साथ एसआईटी की टीमें भी जांच कर रही हैं। इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में लवलेश, सनी और अरुण का परिवार है, जिनका इस केस से भले ही सीधा लेना देना ना हो, लेकिन परिवार पर पुलिस की नजर बनी हुई है। लगातार पूछताछ का दौर चल रहा है। अतीक अहमद का बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है। आज उसकी लखनऊ कोर्ट में पेशी होनी है। बता दें कि उमर को देवरिया जेल में व्यापारी की पिटाई के मामले में आज पेश किया जाना है। हालांकि उमर की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी। वहीं पिता अतीक और चाचा अशरफ की हत्या के बाद से उमर बेहद शांत रहने लगा है। उमर को लखनऊ के कारोबारी को देवरिया जेल में ले जाकर मारपीट, रंगदारी, जालसाजी के मामले में पेश किया जाना है। इस मामले में 7 अप्रैल को अतीक अहमद और उमर पर आरोप तय हुए थे। दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक वकील ने महिला पर 4 राउंड फायरिंग की। 2 गोली पेट में और 1 हाथ में जाकर लगी है। महिला को फौरन एम्स में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अब तक फायरिंग की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस ने बताया कि महिला फाइनेंशियल विवाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट गई थी।
उमेश हत्याकांड में 5 लाख के इनामी वांटेड गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन उड़ीसा के पुरी में मिली है। वहीं पुलिस ने एक टीम को पुरी के लिए रवाना कर दिया है। बताते चले कि गुड्डू मुस्लिम लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है। इससे पहले उसकी लोकेशन महाराष्ट्र के नासिक में मिली थी। पुलिस का कहना है कि गुड्डू बेहद शातिर है। वह कई घटनाओं में कई बार फरार रह चुका है। वह मोबाइल फोन का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर रहा है। अब देखना है कि क्या पुलिस गुड्डू को पकड़ने में सफलता हासिल करेगी या फिर गुड्डू की लोकेशन बदलती रहेगी। बुलंदशहर में शिकारपुर तहसील में निकाय चुनाव को लेकर बनाए गए नामांकन स्थल पर दिव्यांग युवक अपने चचेरे भाई की पीठ पर बैठकर सभासद पद का पर्चा भरने पहुंचा। दिव्यांग के जज्बे को सलाम है। ये नजारा देखकर शिकारपुर तहसील नामांकन स्थल चर्चा का विषय बना हुआ है। दिव्यांग ने पहासू नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 से अपना पर्चा दाखिल किया। दिव्यांग बीकॉम की पढ़ाई कर चुका है, जिसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई देखकर वार्ड नंबर 1 के मतदाताओं ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दिव्यांग होने के बावजूद भी उसका कहना है कि मैं यदि विजयी हुआ तो वार्ड में चहुंमुखी विकास करूंगा। मेरा पहला उद्देश्य है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट जो उस वार्ड में है वो पढ़े लिखे नहीं है, जो लोगों को जो योजना के बारे में अच्छी तरह से नहीं बता पा रहे हैं और ना ही बेनिफिट दे रहे हैं, सिर्फ अपने अपने लोगों को ही बेनिफिट। लखनऊ से सीतापुर जा रही रोडवेज बस में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बता दें कि चोरों ने पति पत्नी के बैग को काटकर नकदी समेत जेवरात लेकर फरार हो गए। ये घटना बीकेटी थाने के सीतापुर रोड बेहड़ा चक्की चौराहे की है, जहां चोरों ने घटना को अंजाम दिया। पति पत्नी कैसरबाग से बस पर बैठकर जा रहे थे। इसी बीच दो चोर पहिए की सीट पर बैठे हुए थे, पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची बीकेटी थाने की पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। तलाश एक चोर को पुलिस ने पकड़ लिया है और दूसरे की तलाश जारी है। बाहुबलियों माफियाओं के दिन इस वक्त बुरे चल रहे हैं, बल्कि उनकी पत्नियों के दिन भी अच्छे नहीं हैं। अति की पत्नी शाइस्ता के बाद अब पुलिस मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। एक साल से लापता अफशा का पता बताने वाले को अब 50,000 रुपए इनाम में मिलेंगे। अफशा शाइस्ता यूपी पुलिस की मोस्ट वॉन्टेड महिला अपराधियों की लिस्ट में टॉप 3 में हैं। पहले नंबर पर बाइक बोट घोटाले के आरोपी दीप्ति बहल हैं। दीप्ति पर 5 लाख का इनाम है। अफशा दूसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर शाइस्ता परवीन है। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी में टिकट की घोषणा के बाद घमासान छिड़ गया है। यहां एक दावेदार ने पार्टी छोड़ दी, वहीं शहर से टिकट के दावेदार राजीव अग्रवाल उर्फ टीटी ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा के खिलाफ सीधा मोर्चा खोलते हुए उन पर रुपए लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। इसके बाद वह पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ रवाना हो गए हैं। बता दें कि सपा से राजीव अग्रवाल उर्फ टीटी अपनी पुत्रवधू के लिए टिकट मांग रहे थे। राजीव अग्रवाल 2000 से 2005 तक चेयरमैन रह चुके हैं। बुधवार को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा ने सपा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, जिसमें शहर से नफीस अंसारी की पत्नी नसरीन को सपा प्रत्याशी बनाया गया। इसके बाद पार्टी में उथल पुथल शुरू हो गई है। माफिया आतिक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी मामले को लेकर एसआईटी जांच कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस कॉल्विन हॉस्पिटल में हत्या का सीन रिक्रिएट कर चुकी है। उधर दूसरे दिन की पूछताछ के दौरान तीनों शूटर्स बार बार नाम और पैसा कमाने की बात दोहराते रहे। आज पूछताछ का तीसरा दिन है। बताया जा रहा है कि आज तीनों शूटर्स को आमने सामने बैठा कर पूछताछ की जाएगी।
औरैया एहरवा में कटरा में चल रहे प्रीमियर लीग में सिंह वॉरियर और पॉलीवाल मार्केट की टीम के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया है। पॉलीवाल मार्केट टीम के वॉरियर्स की टीम 7 विकेट खोकर 126 रन ही बना सकी है। पॉलीवाल मार्केट की टीम 127 रन के लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी। 6वें ओवर में पॉलीवाल मार्केट की टीम 37 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई है। सिंह वॉरियर्स की टीम ने 79 रन से मुकाबला जीता। सिंह वॉरियर्स के खिलाड़ी शेरा को फाइनल मैच में 4 विकेट झटक कर मैच का पासा पलटने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया है और अब तक खेले गए सभी मैचों में कुल 10 विकेट और 213 रन बनाने पर मैन ऑफ मैच द सीरीज चुना गया। विजेता टीम को 11,000 रुपये तथा उप विजेता टीम को 5,100 रुपये और मैन ऑफ द सीरीज को कूलर सभी खिलाड़ियों को एक सीलिंग फैन उपहार स्वरूप दिया गया है। बाराबंकी में देर रात हाईवे पर डंफर की चपेट में आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद कई वाहन गुजर जाने के कारण शव बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक पिपरौली गांव का निवासी है और बताया जा रहा है कि किसान यूनियन का पदाधिकारी है। मौत की खबर सुनकर परिजन परेशान है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कासगंज में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। बता दें कि किसान खेत पर था, अपनी फसल को रखवाली कर रहा था। दो किसानों के ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई। बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से दो किसानों के जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। किसानों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। मृतक किसान के परिजनों को देवी आपदा में आर्थिक मदद का भरोसा दिया। थाना सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र के राजेपुरा कुर्रा गांव का ये पूरा मामला है। आज सुबह हमें सूचना मिली कि सुबह के टाइम आकाशीय बिजली गिरने से एक झोंपड़ी में दो 35-40 वर्ष के दो युवक आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। और सुबह हम मौके पर पहुंचे, तहसीलदार साहब भी पहुंचे, तो वहाँ हमने देखा कि उनके जो परिवार थे दोनों की शादी हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में हमने उनको समझाया कि आपको जो है सरकार की तरफ से जो भी अनुग्रह राशि है वो तत्काल जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन को प्रेषित कर दी गई सूचना, और जैसे ही पीएम रिपोर्ट आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि आज ही 24 घंटे के अंदर तो उनको अनुग्रह राशि प्राप्त हो। संभल में पुलिस ने एक सप्ताह पूर्व लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मौके से नकदी, अवैध शस्त्र और 2 बाइक भी बरामद की गई है। बड़ी बात यह है कि 4 लुटेरों को पीड़ित ने पहचान लिया है। अब पुलिस ने लुटेरे पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश करेगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद संभल के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन पर अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान में आपको विगत दिनों में याद हो 14 तारीख को एक मामला हुआ था। थाना बहजोई के फरीदपुर के पास में एक व्यक्ति के साथ में 4 लोगों के द्वारा एक लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। ये मामला 161/23 पंजीकृत किया गया था। इसकी तत्काल ही टीम बना दी गई थी और सघन तलाशी अभियान चल रहा था और सुराग रसी पतरसी जारी की रखी गई थी। बिजनौर में रमजान मुबारक के आखिरी दिन अलविदा जुमे को लेकर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन बेहद सख्त दिखाई दी है। मस्जिदों के इर्द गिर्द पीएससी से लेकर आम पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। डीएमएसपी ने सड़कों पर उतरकर मस्जिद के आसपास स्थिति का जायजा लिया। वहीं अभी भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। आसानी से नमाजियों ने अलविदा जुमे की नमाज को अदा किया है। जैसा कि आप अवगत हैं, आज जुमा अलविदा की नमाज है, कल ईद का त्यौहार है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण शहर में ईदगाहों पर और यहाँ जामा मस्जिद जहाँ आप खड़े हैं पुलिस व्यवस्था बनाई गई है। सभी जगह सतर्कता बरती जा रही है ताकि नमाजियों को कोई असुविधा रास्ते में ना हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगातार हमारी पुलिस पार्टी पेट्रोलिंग कर रही है, सतर्कता बरती जा रही है, बाकी सब सामान्य।
अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।